गाइस अभी हम रास्ते में ये महादेव पुल पे पहुंच चुके हैं। भैया देखो मौसम भी बहुत बढ़िया, बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं आज, कितना प्यारा मौसम हो रहा है और हवा भी काफी तेज चल रही है। अपन भाई मिट्टी उड़ रही है, आंखों मिट्टी आ गई और लेट भी हो रहा है क्योंकि मेरे शॉप का टाइम हो रहा है, तो इसलिए हम फटाफट जल्दी जल्दी तेज चला रहा हूँ आज मैं गाड़ी बहुत, और ट्रैफिक भी नहीं है। चलो अच्छा हुआ ट्रैफिक नहीं है तो टाइम से पहुंच भी जाएंगे। यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी रहता है कभी कभार। तो गाइस मैं आ चुका था बटलर से वापस, बटलर में हो गया था काफी मूड खराब। मतलब यहाँ पर मैंने ना थोड़े दिन पहले लिया था 11 प्रो, मेरे पे एक्स था जो शुगा, तो एक्स मैंने सेल के लिए दे दिया था उसे, तो उन्हें 12,000 रुपये उसके लगा दिए थे रेट। तो बाकी मतलब क्या था सर, उसने कहा था कि ये 1 वीक में बिक जाएगा, आज हो गए 15 दिन और मेरे पैसे अटके हुए हैं। मैंने पहले पैसे मतलब दिए थे, उसमें पैसे अटक गए मेरे, अब वो आना कानी कर रहा है, ऐसा नहीं आज नहीं कल नहीं परसों नहीं। फिर उन्हें बैटरी भी डाल दी क्योंकि मेरी बैटरी थी सर्विस पे, उन्हें अपने पास से बैटरी डाल दी पर बैटरी के पैसे दो। तो मैंने कहा, मैंने तो ना कहा था मुझसे पूछ के डाली तूने बैटरी, तो यार इस चक्कर में मूड खराब हो गया तो इस चक्कर में व्लॉगिंग करी नहीं मैंने वहाँ पर। अब यार देखते हैं रात को, उन्होंने कहा 8 बजे मैं कॉल करूँगा, देखते हैं रात को क्या होता है। गाइस अभी क्या हुआ, बटलर से कॉल आ गई मेरे पास कि वो कैल जिसको मैं आपको अभी बताया था मैंने कि मतलब वो बार बार टैराटोमेटोली कर रहा है। तो बटलर से जिस मैंने एक आध से और पता करा था तो उस टाइम तो वो रेट काफ़ी डाउन लगा रहा था, 10,000 बता रहा था। तो अभी उसके दोबारा कॉल आई, बढ़िया भैया मेरे पे एक कस्टमर है, ये मतलब फ्रेंड ही है मेरे साथ, मॉल टाउन में रहता है हमारे यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि यार मुझे भेज दो आप, उसको अर्जेंट चाहिए कि उन्हें आईफोन वगैरह का भी चलाया नहीं है, तो मुझे आप दे दो, तो मेरे को मतलब अर्जेंट चाहिए जो आप प्राइस मांग रहे हो दे दूंगा। अब मैंने दोबारा मैंने उसको कॉल किया जिसको मैंने दिया हुआ था, तो वो क्या कह रहा कि यार आप पक्का शाम को ले जाना, अब मैंने किसी से एडवांस ले लिया है तो अब मैं दे नहीं पाऊँगा। तो यार अब मैं फंस गया बीच में, और फ्रेंड है वो कह रहा है कि यार मुझे दे दो, 2 दिन बाद कॉल भी आ गया। तो अब यार पहले बिक नहीं रहा था, अब कस्टमर्स इतने सारे हो गए कि मुझे दे दो, अब ये समझ नहीं आ रहा किसे दूँ क्या करूँगा। अब उसकी भी बात ख़राब नहीं कर सकते, अब उसने कहा है, वो कह रहा कि अब मैं एडवांस ले चुका हूँ उससे ले नहीं सकता। तो यार मेरे को उससे मजबूरन यार मैं मना नहीं करना पड़ा, मगर अच्छा ही लगा यार फ्रेंड को, मगर यार अब क्या कर सकते, फंस चुके हैं बीच में। मैं अपना गोडाउन पे यहाँ पर हो रहा है काम और यहाँ पर माल वगैरह लगा रहे हैं पानी के लिए। चलो भाई फोन बोल दे रहा हूँ पंडित जी को। और ये हमारा न्यू गोडाउन है जो हमारा ऊपर बन गया है, कपड़े वगैरह भी है सब ये है। और ऊपर से देखो आप पूरा व्यू बरेली का, ये ऊपर का पूरा व्यू आ गया। हवा वगैरह भी काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम, रात को काफ़ी बढ़िया हवा चल रही है। अरे बैक से व्यू है, ये पीछे किसी और की छत आ जाती है। और यहाँ देखो आप पूरा बरेली वगैरह पूरा दिख रहा है, मौसम कितना प्यारा लग रहा है, इधर बढ़िया लग रहा है। गाइज उसका फ़ोन आ गया था और वो अभी मतलब उन्हें कहा था रात को 11 बजे मैं आऊँगा तो घर पे ही आपके दे जाऊँगा पैसे। तो उसकी जो टेंशन थी वो तो दिमाग से निकल गई है। अभी हमने रास्ते में कावर वगैरह भी काफ़ी सारी देखी, आपको कावर्स भी दिखाई थी। और अब जा रहे हैं, भूख लग रही है काफ़ी, खाना खाएंगे साथ में। खाने में आज क्या बनाया खाने में क्या बना रहे थे आज? आज दही तड़का बना रहे, काफ़ी टाइम बाद, मतलब 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने के बाद बहुत दही तड़का वगैरह बनाइए। बाकी मैंने हमने रात के लिए जैसे मेरे को चाय के साथ कुछ खाना ही होता रात को, तो उसके साथ मैंने मैगी वगैरह 2 अंडे ले लिए साथ में, और बड़ी एक अंडा बड़ी के लिए भी ले लिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।